चढ़ाता सिकंदरा बैरियर, लठैतों के दम पर जारी है उगाही। एक माह के दौरान कलेक्टर के बाद अब अपर कलेक्टर ने की सिकंदरा बैरियर की सघन चेकिंग एवं किया निरीक्षण। सिकंदरा थाना प्रभारी मिले नदारद, टोकन सिस्टम से करते हैं पैसे का बंदरबांट। पीड़ित ड्राइवर ने बताया कि पूरा खेल पूरी प्लानिंग के तहत होता है, जिससे काउंटर पर बैठे कर्मचारी एक टोकन देते हैं जिस पर सिर्फ गाड़ी का मॉडल नंबर लिखा होता है और उसे लेकर ड्राइवर बाहर आता है। बैरियर कैंपस के बाहर कटर 2500 से 3000 रुपए तक लेता है। अगर कोई आनाकानी करता है तो मारपीट कर दी जाती है, जिसके चलते दूसरे प्रदेशों के ड्राइवर डरकर पैसा दे देते हैं, जिसकी कोई रसीद भी उन्हें नहीं दी जाती। खेल इतना बड़ा है कि एक गाड़ी से 3000 तो पूरे दिन में 700 गाड़ियों की क्रॉसिंग माने तो 21 लाख रुपए प्रतिदिन की कमाई होती है। सोचे ड्राइवरों का दर्द झलका, बोले मारपीट होती है। मीडिया को देखकर और प्रशासनिक अधिकारियों को देखकर ड्राइवरों ने सुनाई अपनी पीड़ा। प्रदेश का नाम हो रहा है कलंकित। वक्त है बदलाव पर नजारा लेकर चलने वाली कमलनाथ सरकार भी कर रही है अनदेखी, साथ ही यहाँ पर राजनीतिक रसूख के चलते नहीं हो पाती कार्रवाई। सूत्रों की माने तो राजनीतिक दबाव के चलते बैरियर प्रभारी और कर्मचारियों पर नाममात्री कार्रवाई होती है, जिससे उनके हौसले बुलंद होते हैं और ड्राइवरों के साथ प्राइवेट कटर मारपीट करते हैं। ड्राइवरों का कहना है कि भारी मात्रा में लूटते हैं ट्रक ड्राइवरों को, बिना रसीद के ही चलता कर देते हैं ट्रक ड्राइवरों को। आज निरीक्षण के दौरान एक नंबर तरीके से की रसीदों की कटौती। ड्राइवर बोले कि काश रोज ऐसा निरीक्षण हो। हाँ, मतलब उत्तर प्रदेश LPG की गाड़ी है। हाँ, तो हमारी गाड़ी गवर्नमेंट के अंडर में चलती है, फिर भी ये जबरदस्ती हमसे पैसे लेते हैं यहाँ पे। कितने रुपए लिए अभी? अब तो ये पहली बार ऐसा एक नंबर का काम किया है इन्होंने, जो चालान फाड़ के दिया। कितने का फाड़ा है? 1000 रुपए का फाड़ा है। और वैसे कितने का? वैसे ये 2200 रुपए लेते हैं। रसीद देते थे पहले? कोई रसीद नहीं देते थे। वैसे अभी कौन सी रसीद दी है? अभी ये दिया है। ये कितने की? 1000 रुपए की। 1000 रुपए की। और ये रसीद नहीं देते थे हर बार? ऐसा नहीं देते थे, वो एक टोकन देते हैं, उसे दिखा के वहाँ से इधर से आओ। कौन सा टोकन है बताओ? ये मेरे पास रखा है, ये देते हैं, बस ये देते थे। केवल प्रूफ नहीं होता इसमें, अमाउंट नहीं लिखा रहता है इसमें, इसमें कुछ नहीं होता, पेमेंट वगैरह कुछ नहीं लिखा रहता था। और पहले 2200 की करते थे, 2200 की बिना रसीद के? हाँ, 2200 करते हैं, तो हम ये कहते हैं कुछ कम ले लो, तो फिर भी नहीं, ये डंडा निकालते हैं, धमकाते हैं। अच्छा, जबरदस्ती करते हैं, जबरदस्ती लेते हैं। आप भी ट्रक? ट्रक चलाता हूँ। अच्छा अच्छा, कहाँ से आ रहे हो? मैं आ रहा हूँ रुद्रपुर से सर, पंत नगर से। अच्छा, कार टेलर है। अच्छा, कितने के रुपए लिए अभी आपसे? अभी मेरे से 800 रुपए लिए है, ये पर्ची दिया है, बस इसमें 500 ही लिखा हुआ है, बाकी 1000 रुपए लेते हैं, उसमें पर्ची नहीं देते, ऐसा ही गेट पास देते हैं। अच्छा, गेट पास दे देते हैं। 1000 रुपए कार वाली गाड़ी से 1000 रुपए लेते हैं। 1000 रुपए लेते हैं।